नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं। आज आपको सुनाने जा रहा हूं सुनील गांधी जी की लिखी एक कहानी, बस हम ही नहीं मिलते। आइए शुरू करते हैं। ढलते दिसंबर की वो सर्द शाम शायद कुछ ज्यादा ही उदास थी। बाहर अलाव के पास हाथ गर्म करते करते उसने अपनी हथेलियों को गौर से देखा था, मानो जैसे तब्दील करना चाहता हो उन लकीरों में लिखा सब कुछ। जहन में किसी का कहा कुछ अटक गया था। लकीरों से कुछ नहीं होता, दिल के वहम होते हैं सब। ये वहम तो नहीं है? जिस तरह तुम्हारे हाथ मेरे हाथों में मिल सकते हैं, तो तुम्हारी और मेरी लकीरें क्यों नहीं मिलती? अच्छा बाबा, ऐसा करो, तुम वो इरेजर ढूंढो जिससे ये लिखा मिटाया जा सके कि मैं तुम्हारी लकीरों में नहीं। लड़की ने हंसते हुए उसके जहन में पल रहे खदशे को दूर करने की नाकाम सी कोशिश की थी और उसके सर्द हाथों पर अपना मजबूत हाथ रख दिया था। अब लड़के को ये यकीन हो गया था कि लकीरें गलत कहती हैं। कुछ देर बाद हथेलियों को मोड़कर लड़के ने अपना चेहरा साफ किया। अब सारे मंजर धुंधले थे और वो मन ही मन कहने लगता है, देखो मैंने सही कहा था कि तुम मेरी लकीरों में नहीं हो। आज पास में कोई मजबूत हाथ नहीं था जो उसके जहन में पल रहे खदशे को गलत साबित कर सके। अब सर्द शाम धुंधली रात में तब्दील होने को आई थी। आंगन की दीवार के उस पार से मां ने आवाज दी, देखो दोनों वक्त मिलने को हैं, अंदर आ जाओ। और लड़का उदास समन लिए सोचता है, देखो वक्त भी मिलते हैं, बस मैं और तुम नहीं। दोस्तों, है तो बड़ी छोटी सी कहानी, लेकिन ये छोटी सी कहानी शायद मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट के जरिए उन शब्दों को पूरा करें जो मैंने अधूरे छोड़ दिए। और सुनील गांधी जी के लिए भी जो लिखना चाहें जरूर लिखिएगा, एप्रिसिएशन या प्रेस के रूप में। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए कहानियों का सफर अमित के साथ। जय हिंद, जय भारत।